एक समय की बात है, एक बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा को 5 पुत्र थे। पांचों राजकुमार विद्वता के साथ साथ सारे शस्त्र एवं कलाओं में निपुण थे और राजकुमारों में आपस में बहुत ही स्नेह था। हर कोई एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ने को भी तैयार रहते थे। वो हमेशा एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते थे। ये देखकर राजा और राज्य की प्रजा भी बहुत खुश थी। एक दिन ज्येष्ठ राजकुमार अल्बर्ट अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन बीत गया लेकिन अल्बर्ट वापस नहीं आया। राजा रानी इस बात को लेकर चिंतित थे। अगले दिन अल्बर्ट के साथ गए सिपाही डर के मारे राजमहल वापस आए और राजा से, महाराज की जय हो। महाराज, जंगल में सैर करते वक्त राजकुमार बहुत आगे निकल गए। हमने उन्हें ढूंढने की हर वो कोशिश की लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए महाराज। सिपाहियों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी राजा का दूसरा बेटा कैस्पियन आगे आया और राजा से, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बड़े भाइयों को खोजकर जरूर लाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। अपनी पिताजी की आज्ञा लेकर कैस्पियन जंगल की ओर निकल पड़ा। 3-4 दिन बीत गए लेकिन कैस्पियन वापस नहीं आया। इसीलिए तीसरा राजकुमार जॉर्ज भी उन्हें ढूंढने गया लेकिन वो भी वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद चौथा राजकुमार लुइस भी अपने तीनों भाइयों को ढूंढने निकल पड़ा लेकिन लुइस भी वापस नहीं आया। पूरे राज्य में राजा सहित सारे लोग चिंतित थे। तभी सबसे छोटा राजकुमार आर्थर अपने पिताजी के पास गया और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए राजा से विनती की लेकिन चारों राजकुमारों का कोई पता न लगने के कारण राजा अब अपने 5वें पुत्र को भेजने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन आर्थर ने अपने पिता को समझाकर उनसे अनुमति ली और घोड़े पर सवार होकर आर्थर जंगल में पूर्व की ओर निकल पड़ा। 5 दिन का सफर तय करने के बाद आर्थर आखिर में एक घने जंगल में दाखिल हुआ। आर्थर आगे जा ही रहा था तभी उसे 2 लोमड़ियां रोती हुई दिखाई दी। आर्थर पशु पक्षियों की भाषा जानता था। आर्थर उनके पास गया। क्या हुआ, आखिर तुम लोग रो क्यों रहे हो? यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गुफा है, वहाँ एक गेंडा रहता है। वो हमेशा हमारे बच्चों को पैरों से कुचलकर मार देता है। आज तक उसने हमारे एक भी बच्चे को जीने नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है। आज से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे उसकी गुफा तक ले चलो, मैं उसे अभी देखता हूँ। गेंडा अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। सोते हुए गेंडे पर प्रहार करना आर्थर को अच्छा नहीं लगा। आर्थर बाहर आकर एक पेड़ पर चढ़ गया। कुछ समय बाद गेंडा जैसे ही गुफा से बाहर आया, आर्थर ने पेड़ पर से छलांग लगाई और अपनी तलवार से वार कर उसे ढेर कर दिया। आर्थर का साहस देखकर दोनों लोमड़ी बहुत खुश हुए। उन्होंने आर्थर से कहा, हे राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? आर्थर ने अपने चारों भाइयों की कहानी उस लोमड़ी को कह सुनाई। आर्थर की बात सुनकर लोमड़ी बोल पड़ी, अच्छा तो वो चारों तुम्हारे भाई थे। हमने उन चारों को इसी रास्ते से जाते हुए देखा था लेकिन वो चारों कहाँ गए ये हमें पता नहीं। लेकिन तुम्हारे जैसे शूरवीर को उन्हें ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है राजकुमार। तुम इस जंगल को पार कर पश्चिम की तरफ जाओ, तुम्हें विजय जरूर प्राप्त होगी। उन दोनों से विदा लेकर आर्थर आगे निकल पड़ा। पूरे दिन सफर करने के बाद आर्थर एक बड़े से जंगल में पहुंच गया। थोड़ी देर आराम करने के लिए आर्थर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे 2 सांप दिखाई दिए। उसमें से एक बड़ा और दूसरा छोटा था। बड़ा सांप छोटे सांप को निगलने की कोशिश कर रहा था। छोटे सांप के रक्षण करने हेतु आर्थर ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। उसी समय सांप अदृश्य होकर 2 दूतों में परिवर्तित हो गए। उन्हें देखकर आर्थर, अब तुम कौन हो और ऐसे एक दूसरे को क्यों सता रहे थे?
मैंने अनजाने में बचपन में इसके बारे में एक गलती की थी। उस दिन से आज तक ये उस चीज का बदला लेने के लिए जहाँ इसे मौका मिले मुझे तकलीफ देता रहता है। तुम दोनों को कुछ बताने के लायक मैं हूँ या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर मुझे हमेशा ऐसे लगता है अनजाने में अगर किसी से गलती हो गई हो और वो उसे स्वीकार भी कर रहा हो तो हमेशा बड़ों ने छोटों को माफ किया है। क्यों ना तुम अपनी शत्रुता त्याग कर एक दूसरे से दोस्ती कर लो। आर्थर ने उन्हें शत्रुता और मित्रता के बारे में और भी बहुत किस्से सुनाए। आर्थर की बातें सुनकर दोनों दूध समझ गए और आर्थर से, हे राजकुमार, हम दोनों बहुत ही पुराने दुश्मन थे, लेकिन तुमने अब हमें एक दूसरे का मित्र बना दिया। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर तुम्हें हमारी ओर से कोई भी सहायता की जरूरत हो तो हमें जरूर बताओ राजकुमार। राजकुमार ने उन दूतों को अपने भाइयों के बारे में बताया। आर्थर की सारी बातें सुनकर दूतों ने आर्थर से कहा, राजकुमार, तुम यहाँ से सीधे पूरब की ओर चलते जाओ। कुछ ही दूरी पर तुम्हें एक तालाब दिखाई देगा और आगे क्या करना है ये सब तुम्हें उस तालाब के पास जाते ही अपने आप समझ आ जाएगा। और हाँ, तुम अपने काम में अवश्य विजयी होंगे। दोनों दूत आर्थर को आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो गए। दूतों के कहे अनुसार आर्थर उस ओर निकल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद आर्थर उस तालाब के पास पहुँच गया और थोड़ी देर आराम करने के लिए आर्थर उस तालाब के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। तभी उस तालाब में हलचल होने लगी और कुछ ही पलों में उस तालाब में से एक सुंदर मत्स्य कन्या बाहर आई और आर्थर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ तालाब के अंदर ले गई। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक महान शक्तिशाली राजा रिचर्ड शासन करता था। राजा रिचर्ड बहुत ही क्रोधी एवं घमंडी थे। राजा रिचर्ड की एक बेटी थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। उसको अपनी बेटी एलिजाबेथ पर बहुत गर्व था, जिसके ऊपर एक शाही परिवार में जन्मे लोगों की तरह एक जन्म चिन्ह था। एलिजाबेथ दिखने में बहुत ही सुंदर और नेक दिल थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन राजा रिचर्ड ने कहा, मेरी सुंदर बेटी, जल्द ही मैं तुम्हारी एक शाही परिवार में शादी कर दूंगा और तुम उस राज्य की रानी बन जाओगी और तुम मुझे बहुत गौरवान महसूस करवाओगी। पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसा कहकर एलिजाबेथ अपने कमरे में चली जाती है। एलिजाबेथ उनके राज्य में एक साधारण लड़के एडन से प्यार करती थी। एडन बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था और उसी वजह से एलिजाबेथ उससे प्यार करती थी। अपने पापा की बात सुनकर एलिजाबेथ छुपकर एडन से मिलने गई और उसने एडन से कहा, एडन, चलो हम शादी कर लेते हैं, नहीं तो पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे। ओ, लेकिन तुम्हारे पापा को पता चला तो वो हमें मार देंगे। तो क्या होगा, दोनों साथ में मर जाएंगे। एलिजाबेथ और एडन शादी कर लेते हैं और आखिरकार ये बात राजा को पता चल जाती है। राजा क्रोधित होकर, मेरी अपनी बेटी ने मेरे साथ धोखा किया, पहरेदारों उनको पकड़कर अभी के अभी मेरे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार एडन और एलिजाबेथ को पकड़कर राजा के सामने लेकर आता है। उन्हें देखकर राजा उन दोनों को बंदी बनाने को कहता है। एक दिन एलिजाबेथ एक पहरेदार से, तुम मेरे पास की सारी हीरो की अंगूठियां रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। राजकुमारी, अगर राजा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन एलिजाबेथ की दी हुई अंगूठियों की कीमत पहरेदार के लिए बहुत थी, इसीलिए उसने एक खुफिया रास्ता बताकर एलिजाबेथ और एडन को भाग जाने में सहायता की। दूसरे दिन उनकी भागने की खबर राजा रिचर्ड को पता चली। वे गुस्से से बोले, मेरी बेटी ने मेरे साथ फिर धोखा किया। तभी राजा पूरे राज्य में ऐलान करता है कि जो उसकी बेटी को ढूंढ कर निकालेगा उन्हें राज्य का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। इधर एलिजाबेथ और एडन दूसरे राज्य में जाकर रहने लगते हैं।
एक साल बाद एलिजाबेथ एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उसके हाथ पर भी शाही परिवार में जन्मे बच्चों की तरह एक वैसा ही जन्म चिन्ह था। एलिजाबेथ की बच्ची ईव अपनी माँ की तरह बहुत ही सुंदर थी। अब वो तीनों राज्य के साधारण लोगों जैसे जीवन बिता रहे थे और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। अब कुछ साल बीत गए। ईव अब बड़ी हो गई थी। वो भी बड़ी होकर एक निडर योद्धा बन गई। इधर राजा रिचर्ड के राज्य में एक भय सा छा गया था। एक बहुत ही भयंकर दरिंदा था जो हर महीने आता और लोगों को आतंकित करता और उनके पास की मुर्गियां भेड़े उठा ले जाता। तभी राजा रिचर्ड, एक ऐलान किया जाए, जो भी इस दरिंदे को ढूंढकर निकालेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कई सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी उस शक्तिशाली दरिंदे से मुकाबला नहीं कर पाया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजा रिचर्ड के राज्य के लोगों को दरिंदे ने बहुत ही परेशान कर रखा था। अब राजा रिचर्ड भी बहुत ही परेशान हो गए। उनके पास का अब सारा धन भी समाप्त होने को आया था। एक दिन एक योद्धा रोनाल्ड घोड़े पर एलिजाबेथ और एडन के गांव आया। लगता है राजा रिचर्ड का राज्य बहुत दूर है, मुझे कुछ समय के लिए यही आराम करना चाहिए। वो कुछ गडेरियों के पास गया और उन गडेरियों ने रोनाल्ड का बहुत अच्छे से स्वागत किया। हमारा खाना बहुत सादा है हुजूर। लेकिन रोनाल्ड के विनम्र और दोस्ताना व्यवहार ने उनको जल्द ही सहज कर दिया। उसने चारों ओर देखा। चारों ओर की जमीन फूलों से पूरी तरह भरी हुई थी और ईव गडेरियों के साथ नाच रही थी। उसे ईव देखते ही बहुत पसंद आई। उसने गडेरियों से पूछा, वो कौन है? वो एलिजाबेथ और एडन की बेटी है। रोनाल्ड ने उसे ध्यान से देखा तो वो कड़ी धूप में भी चमक रही थी। जल्द ही अंधेरा हो गया और तारे चमकने लगे। अभी मुझे जाना चाहिए। तभी वहाँ एडन आता है। वो आदमी कौन है? वो यात्रा पर निकला हुआ एक योद्धा है, उसका नाम है रोनाल्ड। रोनाल्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे राजा रिचर्ड से मिलने जाना है। तुम अभी मत जाओ, ये जंगल रात में जाने के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, आप बहुत दयालु है। एडन, ईव और रोनाल्ड तीनों घर आते हैं। रात में ईव अपने घर के आंगन में बैठी थी, तभी रोनाल्ड भी उसके पास आकर बैठा और दोनों में बातों बातों में दोस्ती हो गई। थोड़ी देर बाद रोनाल्ड घर में जाकर सो गया। जब एडन ने रात में घर में देखा तो ईव घर पे नहीं थी। घर के बाहर से उसकी आवाज सुनकर रोनाल्ड भी जग गया और ईव को ढूंढने गया। जब उसने देखा कि ईव पर एक शेर ने हमला किया है और ईव बहुत ही बहादुरी से उस शेर से मुकाबला कर रही थी, ये नज़ारा देखकर रोनाल्ड दंग रह गया और उन दोनों ने अपनी होशियारी से शेर को मार गिराया। रोनाल्ड ईव को घर लेकर आया। उसे घर में देखकर एलिजाबेथ और एडन बहुत खुश हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोनाल्ड। रोनाल्ड और ईव को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तुम राजा रिचर्ड के राज्य में क्यों जा रहे हो? उस दरिंदे को ढूंढने और वहाँ के नागरिकों को उससे आजाद करने के लिए। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं अकेला जाकर देखता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं जरूर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आखिर रोनाल्ड को ईव को साथ लेकर जाना ही पड़ा। रोनाल्ड और ईव दोनों राजा रिचर्ड की राज्य की ओर निकल पड़े। उन्हें जंगल में दरिंदे की आवाज सुनाई दी और इन दोनों को देखते ही दरिंदा बाहर आ गया। रोनाल्ड और ईव ने बहुत होशियारी से उसे नीचे गिराकर बंदी बनाया और राजा रिचर्ड के पास ले गया। उनकी होशियारी देखकर राजा रिचर्ड बहुत खुश हो गया। उसने रोनाल्ड और ईव को दिल से धन्यवाद दिया। तभी राजा को ईव के हाथ पर एक जन्म चिन्ह दिखाई दिया जो कि बिल्कुल उसकी बेटी एलिजाबेथ के हाथ पर था। बेटी, आपका नाम क्या है? क्या आप अपने माता पिता को यहाँ बुला सकती हो? जी, मेरा नाम ईव है।
लेकिन मेरे माता पिता दूसरे राज्य में रहते हैं। तभी राजा ने अपने सेवकों से दूसरे राज्य में जाकर एलिजाबेथ और एडन को अपने राज्य में मान सम्मान के साथ लेकर आने को कहा। सेवक उन दोनों को राजा रिचर्ड के राज्य में लेकर आए। तभी एलिजाबेथ को देखकर राजा रिचर्ड बहुत खुश हुए। मेरे अहंकार की वजह से तुम्हें मुझसे इतने साल तक दूर रहना पड़ा। आज मेरी पोती की वजह से हमारा पूरा राज्य उस दरिंदे के जाल से मुक्त हो गया है। अब राजा ने अपनी राजगद्दी पर ईव को बिठाकर उन सबके साथ खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद ईव और रोनाल्ड की शादी हो गई। अब उनका पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। ईव और रोनाल्ड की होशियारी की वजह से उन्होंने राजा रिचर्ड के शासन में बहुत बदलाव किए और लोग भी उन बदलावों को देखकर बहुत खुश हो गए।